यो, आज हम लोग यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर मनमोहन मनमोहन सिंह सिंह जी, सैलानी। सैलानी। तो हम आपसे इस बेगमपुरा जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, अनुरोध करें कि आप उस बेगमपुरा कॉन्सेप्ट में अपने विचार साझा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। बेगमपुरा ब्रदरहुड यात्रा जो पूरे भारत में निकाली जा रही है, जीवन कुमार मल्ला जी की अगुवाई में, मैं इसके लिए रायपुर की धरती और छत्तीसगढ़ की धरती के ऊपर 3 करोड़ लोगों की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। देश में, समाज में चारों तरफ नफरत की आंधी बह रही है, लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं। ऐसे वक्त रविदास जी से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रेरणा लेकर जो ये यात्रा निकाली जा रही है, जन जागरण किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि कोई दुनिया में गम ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, अनपढ़ता ना रहे, अज्ञान ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई निकम्मा ना रहे, हम एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के लिए जी सकें, हम एक दूसरे के लिए जिए, आवाज दो, हम एक जैसी भावना पैदा होनी चाहिए। वो भावना तभी होगी जब हम उन महापुरुषों के राह पर चलेंगे जो उन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया। उस समय मुगलों के समय जो भयभीत नहीं हुए, आज भी अपने देश को, इस देशवासियों को इस भय से मुक्त करने के लिए, जो भाईचारे की भावना को प्रज्वलित करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अरदास करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस ज्योति को ज्वाला बना दे ताकि देश की रक्षा हो सके, देश की भावनाओं की रक्षा हो सके, कोई गरीब ना रहे, कोई गुलाम ना रहे, कोई भूखा ना रहे। मैं फिर अरदास करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। का खालसा, वाहेगुरु जी बोले सो निहाल। श्री अकाल।